हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा ओंटोलॉजी की अर्निंग, पैसिव इनकम। अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कितना रिवॉर्ड मिलता है और कैसे स्टेक करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, बट इजीली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सके। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। क्योंकि अगर आप मेरे रिसर्च पे प्रॉफिट कमाते हो तो नो बडी टेल्स, बट किसी को भी नुकसान होता है तो देर आर मेनी पीपल हु विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, डू योर ओन रिसर्च। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन, मैंने बहुत सारे कॉइन्स को रिसर्च किया और कंक्लूजन ये निकला कि ओंटोलॉजी अभी के रेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफर कर रहा है। 3% का मंथली रिटर्न है, जो कि बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है और आप बहुत अच्छा एक पैसिव इनकम कमाने का मौका है। और इस पैसे को आप चाहो तो फर्दर इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओंटोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स, तीन तरह से आपको अर्निंग मिलती है, पैसिव इनकम मिलता है। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अगर आप अपने वॉलेट में कुछ भी नहीं करते हो, ओ वॉलेट या O3 वॉलेट में ओंटोलॉजी होल्ड करते हो, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वो ONG मिलता है। तो इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं 500 ओंटोलॉजी का फिगर ले रहा हूं। सो 500 आप जस्ट होल्ड करते हो, कुछ भी नहीं करते, तो आपको मंथली 5.18 ONG मिलता है। ये जो है वो पहला ऑप्शन है, पहला टाइप है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है जो भी नोड्स हैं, जिसको आप जो कंसेंसस नोड्स हैं, जहां पे आपने डेलीगेट किया है अपना ओंटोलॉजी, उनको एज अ फीस कुछ अर्निंग होती है, एज ट्रांजैक्शन फी, जो वो नेटवर्क को वैलिडेट करते हैं, ब्लॉक को ऐड करते हैं, तो ये आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि ये सेवन सेट ऑफ राउंड मैंने जो है वो स्टेक किया है। यानी कि अगर मैं डिवाइड करूं 3.6875 डिवाइडेड इनटू 7, यानी कि 0.5267, ये आपको पर 500 एज अ फीस आपको मिलेगा। तो ये हो गए दो टाइप। और जो तीसरा है, जो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, वो है बोनस। ओंटोलॉजी फाउंडेशन अगले 3 साल तक बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एवरी मंथ। मंथ के एंड में जो है ये बोनस दिया जाता है जितने भी कंसेंसस नोड्स हैं उनको, और वो फर्दर जो है वो हमें, जो मैं और आप जो डेलीगेट करते हैं, उनको वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोड्स हैं, जो डूबे है, वो उसने सबसे कम बोनस दिया है लास्ट मंथ, और सबसे ज़्यादा जो बोनस दिया है वो मैग्रेज ने दिया है। यानी कि अगर मैं 23 ओंटोलॉजी लेके चलता हूँ, लेट से 20, ये आपको 0.52 जो है वो एज फी मिलता है, प्लस 23 अगर आपने मैग्रेज में स्टेक किया होता तो आपके हो गए 23.52, और नॉर्मली होल्ड करने का आपको मिल रहा है 5.18। तो दैट मेक्स अराउंड 28.7, रफली 29 आपको ONG पर मंथ मिलता है अगर आप 500 जो है वो स्टेक करते हो। मैं बॉल पार्क अगर फिगर लेके चलूं, ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 25-30 आपको ONG मिलेगा वर्सेस 5। यानी कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 5-6 गुना ज्यादा आप ONG जो है वो अर्न कर सकते हो। हो क्या रहा है यहाँ पे, जो भी स्टेक करता है यहाँ वाला प्रॉफिट देखता है, कहता है यार मेरे को तो 0.52 ही मिला, बट ऐसा नहीं है, देयर आर अदर टू रिवॉर्ड्स एज वेल। तो इस तरह से आपको मंथली आपको कैलकुलेट करना है, और जब भी आपको बोनस मिले, फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है अब बोनस इन्होंने देना शुरू कर दिया है, आज मेरे को 16. अभी मैं अपना लेजर ऑन करता हूं, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अभी जो है 16.94 का बोनस आया है, तो ओवर द टाइम इन नेक्स्ट 1 or 2 days सारे जितने भी मेरे नोट्स हैं सब बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो आप उस दिन का डेट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और फिर अगले महीने जब भी सारे बोनसेज आपके आ जाए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। बाकी जिस तरीके से मैंने ब्रेक डाउन किया है बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। 5 आपको नॉर्मली होल्ड करने का मिलता है, प्लस यहाँ पे आप जो भी नोट लेते हो, लेट से 20, यानी कि 20 प्लस
5-25 एंड देन आपको जो भी ट्रांजेक्शन फी है, तो एनी वेयर बिटवीन 25-30 आपको ONG मिलता है। और एक ONG की वैल्यू है इंडियन रुपीज में आज के रेट में 21 रुपीज 52 पैसा, यानी कि अगर मैं इसको 21 रुपीज 50 पैसा करता हूँ तो 617 रुपीज होता है। और अगर आप आज के रेट में एक ओंटोलॉजी बाई करते हो तो समवेयर अराउंड जो है 42 रुपीज का है, यानी कि 21,200 रुपीज आपके लगेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो 2.95% का रिटर्न है, जो कि ह्यूज रिटर्न है 3% का रिटर्न, और इससे आप फर्दर चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। स्टेक करने के लिए आपको सिंपली ओ वॉलेट के अंदर जाना है और ये नोड स्टेक पे क्लिक करना है, स्टेक ऑथराइजेशन, और यहाँ पे 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक जो है वो कंसेंसस नोड्स हैं, और इसके नीचे वाले जो है वो कैंडिडेट नोड्स हैं जहां पे आपको स्टेक नहीं करना है, यानी कि 1 से लेके 7 तक। 1 में जो है बहुत ही कम रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड है, तो आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अगर आपने मिक्सर को सिलेक्ट किया, अगर आप लेजर यूज कर रहे हो लेजर पे क्लिक करके नेक्स्ट करो, और यहाँ पे सबमिट न्यू स्टेक ऑथराइजेशन, अगर यहाँ पे 1 करोगे दैट मीन्स आप 500 ONT स्टेक कर रहे हो, अगर आप 2 करते हो तो 1000, और सबमिट कर देना है। जैसे ही अगला राउंड शुरू होगा आपका जो ऑटोमेटिक जो है वो स्टेक चालू हो जाएगा और आपका ONT लॉक हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका राउंड शुरू होगा और ONT लॉक होगा उस दौरान आप अपना ONT नहीं विड्रॉ कर सकते, यानी कि जब तक अगला राउंड शुरू नहीं होता आप नहीं कर सकते हो। और नॉर्मली जो राउंड होता है वो 10 डेज का होता है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो अगला राउंड है वो 4 फरवरी का है। अगर आपने आधे घंटे पहले स्टेक पे किया होगा तो आपका ONT अब लॉक हो जाएगा और 4 फरवरी को ही वो रिलीज होगा, यानी कि आज है 25th, तो 6 डेज इधर से और 4 डेज, यानी कि ऑलमोस्ट 10 डेज का एक राउंड होता है, यानी कि महीने में ऑलमोस्ट 3 राउंड्स जो होगा, और एवरी मंथ जो है मंथ के एंड में बोनस मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट काफी हेल्पफुल हो सकता है, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा जहां पे आप देख सकते हो कौन सा भी करंट राउंड चल रहा है, अभी 13 है, कितने दिन चलेगा, कितने ब्लॉक्स बचे हैं और कितना रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, तो ये वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग स्टेकिंग। बहुत ही ईजी है स्टेक करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली आपको जाके कोई सा भी यहाँ पे नोड सेलेक्ट करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है, और जैसे ही राउंड चालू होगा आपका स्टेकिंग शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।